खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। हाँ, और हम फर्स्ट टाइम शिंगला पास के दूसरी तरफ जा रहे हैं, पदुम और पूर्णे की तरफ। और ये देखिए, ये रहा शिंगला पास जिसको अभी हम क्रॉस करके हैं। अब पूरा डाउन है, कितने ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं इस बार। वाओ, बहुत है एक्सट्रीम। और 15 दिन पहले हम भी दुबई गए थे, तब तो इतना नहीं था। हो, वाटर क्रॉसिंग। और हम अभी 3 ही बाइकर हैं अभी तक जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये शिंगला पास को। और एक सुमो निकली थी हमारे आगे, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो गाइस अभी बता दूं, आज का जो हमारा स्टे है वो पुणे में होने वाला है, और पुणे शिंगला पास से लगभग 50 किलोमीटर के पास आसपास है, और पदुम वहाँ से फिर 50 किलोमीटर है। ये देखिए रास्ता धस गया था। है अकेला आना तो बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ पे गिर जाए गुर जाए। जैसे मेरे पीछे पैर फंस गया था बाइक में, तब बड़ा मुश्किल हो जाती है उस समय। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं सोलो। आराम से निकलवानी पड़ती है, अगर पत्थर लग जाए तब दिक्कत है। अगर बैश प्लेट लगी होती ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। रेडिएटर गार्ड, बैश प्लेट, ये दो चीज़ होनी चाहिए ऐसे रास्तों पे, फिर तो बंदा बिंदास निकालता है यहाँ से। ओहो, सांस भी फूल रही है, ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पे। अब कहते हैं हम डाउन जाते जाएंगे। अब ये पत्थर ही पत्थर है। लोनली प्लेनेट में घूम रहे हैं हम, लोनली प्लेनेट। बहुत ही एक्सट्रीम राइड हो रही है हमारी, और बहुत ही ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिली है, क्योंकि बहुत आइस है। और ये गनीमत है कि आज मौसम ठंडा है, इस वजह से ज़्यादा आइस मेल्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ के लोकल बता रहे थे कि आप शुक्र मनाइए आज मौसम ठंडा है, अगर धूप होती तो आप इससे डबल आपको वाटर क्रॉसिंग मिलती। लो जी एक और वाटर क्रॉसिंग ले लो। ये लो, शुक्र है मैंने टायर चेंज करा लिए थे, वरना पुराने टायरों में तो हालत खराब हो जाती। वो नहीं चलते इस रूट पे, और बहुत बुरी हालत हो जाती मेरी, रह रह माटी हो जाती भाई। तो गाइस अगर आप ये ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ यार अपने भाई को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप वीडियो देखें तो कंप्लीट पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना हमारे एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है, नुकसान होता है।
तो प्लीज़ यार अगर आपके थोड़ा समय हो तो थोड़ा देख लिया करो यार पूरी वीडियो, और अपने भाई को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और जिनको ट्रैवल ब्लॉग पसंद है, बाइकिंग पसंद है, तो उनको शेयर करें, हर किसी को नहीं, क्योंकि जिसको पसंद नहीं होगा वो देखेगा ही नहीं। आज तो वाटर प्रोसेसिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बाप रे। तो गाइस एक तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि अगर ढलान पे आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर पे बाइक उतारना, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, साला गिरने लगती है। अगर पैर पूरे ना हो तो कई बार ओहो फाड़ू, चढ़ने से तो उतरना और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। हाँ।
हाँ।